आप नहीं चलाते हो या पुलिस वाले बदतमीजी करते ये क्यों नहीं चलाते तुम लोग? विधायक है हम क्या है? धक्का मारा करते हमें? हम आदमी है, जानवर है, बंदर हो गए हम, गधे हो गए भैया। इस्तीफा लेना, देखिए इनको इस्तीफा चाहिए, मैं इस्तीफा देने को तैयार है, इस्तीफा ले ले हमसे, क्यों हमें परेशान कर रहे हैं? ये कल इस्तीफा लेना चाहे आज ले ले, अभी ले ले, हम लोग कहाँ जाए बताइए, हमारी परेशानी नहीं दिखती योगी जी को। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की सीसामऊ सीट से विधायक इरफान सोलंकी शुक्रवार को अदालत में अपनी पेशी के दौरान मीडिया वालों के सामने पुलिस पर भड़क गए। पुलिस वालों पर खुद के साथ धक्का मुक्की करने और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए इरफान सोलंकी ने कहा कि अगर तुम इस्तीफा लेना चाहते हो तो कल की बजाय मैं आज और अभी इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन हमें परेशान मत करो। भैया इस्तीफा लेना, देखिए इनको इस्तीफा चाहिए, मैं इस्तीफा देने को तैयार है, इस्तीफा ले ले हमसे, क्यों हमें परेशान कर रहे हैं? ये कल इस्तीफा लेना चाहे आज ले ले, अभी ले ले। कानपुर में कई मामलों में जेल में बंद इरफान सोलंकी के ऊपर फिलहाल तमाम एक्शन हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच पुलिस वालों पर खुद से धक्का मुक्की का आरोप लगाते हुए इरफान सोलंकी शुक्रवार को मीडिया वालों के सामने अफसरों पर नाराज हो गए। अफसरों को कटघरे में खड़ा करते हुए इरफान सोलंकी ने कहा कि जब भी मैं यहां आता हूं मेरे साथ धक्का मुक्की की जाती है, मुझे खींचा जाता है जैसे कि मैं कोई आदमी नहीं जानवर हूं, मुझे बंदर और गधा बना दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं एक विधायक हूं। ये धक्का मारा करते हैं, हम आदमी है, जानवर है, बंदर हो गए हम, गधे हो गए भैया। इस्तीफा लेना, देखिए इनको इस्तीफा चाहिए, मैं इस्तीफा देने को तैयार है, इस्तीफा ले ले हमसे, क्यों हमें परेशान कर रहे हैं? वही दूसरी ओर कानपुर की कोर्ट के बाहर इरफान सोलंकी की पत्नी नसीमा सोलंकी भी मीडिया वालों के सामने फूट फूट कर रोती हुई नजर आई। नसीमा ने मीडिया से कहा कि अधिकारी उन्हें बेजा परेशान कर रहे हैं। नसीमा ने यह भी कहा कि क्या वो अपने पति को मरा हुआ समझ लें? अगर ऐसे घंटों तक सफर करके वो महाराजगंज जाएं और वहां पर प्रशासन उन्हें 5 मिनट भी अपने पति से मिलने ना दे तो इसे क्या समझा जाए? कैसे बुलाई होगी बताइए, कैसे यहाँ कोर्ट में भी कह रहे नहीं, एसीएम ऊपर गए वहाँ पर भी, वहाँ तो बिल्कुल अंदर नहीं जा रहे, एसीएम 3 में गए तो उन्होंने भी हम लोगों को कह रहे अब हम 5 मिनट मिलवाए, कहाँ जाएं बताइए, अब क्या इनको त्याग दें क्या, मरा हुआ समझ दें क्या, इतनी मुश्किल का सामना हमें करना पड़ रहा है, पूरी सर्दी निकल गई, इतनी गर्मी के मौसम में रमजान आ रहे, हम लोग कहाँ जाएं बताइए, हमारी परेशानी नहीं दिखती योगी जी को, एक औरत ने झूठ बोला, आग लगा दी, उसके यकीन कर लिया, हम लोग रो रहे हैं, हमारी बात तो यकीन ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग कहीं भी गुनहगार नहीं, हम लोग केवल सारे झूठे, एक भी सच्चा नहीं, सब झूठे मुकदमे, छोड़ दीजिए इनको, इनको मत परेशान करें, छोड़ दीजिए, सरकार पुलिस सब हम लोग के पीछे पड़ गई है, माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए इनको प्लीज, हम लोग बहुत परेशान हो, टूट कर देंगे मेरे छोटे छोटे बच्चे, इन लोग का पेपर था, कोर्ट का, 12th का, बेटे का 10th का पेपर है, हम लोग पेपर दिलवाए या कोर्ट में आए, बहुत मुश्किल हो रही है हम लोगों के लिए, प्लीज हमारी मदद करें, हम लोग को छोड़ दीजिए। नसीमा सोलंकी ने महाराजगंज जेल के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें उनके पति से नहीं मिलने दिया जा रहा, वो घंटों का सफर करके महाराजगंज जाती हैं, लेकिन 5 मिनट की मुलाकात के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इरफान सोलंकी लंबे वक्त से जेल में है, पहले वो कानपुर की जेल में बंद थे जहां अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात की थी, फिलहाल वो महाराजगंज की जेल में बंद है। इरफान सोलंकी इन सभी को राजनीतिक साजिश बताते हैं, बीती कई पेशियों पर वो शायरी पढ़ते नजर आए थे, लेकिन इस बार उनका पुलिस वालों पर गुस्सा फूटा है, इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है।